जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास टेंथ हिंदी माध्यम फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के आंकिक उदाहरणों को देखेंगे। एग्ज़ाम में आपसे आंकिक उदाहरण भी पूछे जाते हैं, इसलिए इन आंकिक उदाहरण को देखना और समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट उदाहरण, पहला एग्जाम्पल। और पहला एग्जाम्पल है 10.1। देखेंगे, बुक खोल लीजिए अपना और देखिए क्या दिया हुआ है। किसी ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल का मतलब स्वचालित वाहन, स्वचालित वाहन यानी अपने आप चलने वाला वाहन, जैसे कि स्कूटर हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकती है, बाइक हो सकता है, ऑटो हो सकता है, बस हो सकता है, ये जितने भी वाहन हैं इनको हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, आपको पता है कि किसी भी वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और इसका रेंज भी बहुत अधिक होता है, यानी वस्तु बहुत दूर होती है तो भी ये उसको कवर कर लेता है, उसको कैच कर लेता है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, ये फिगर हमने बनाया है और यही उत्तल दर्पण है, यह ऑटोमोबाइल में लगा हुआ उत्तल दर्पण है। सपोज़ कीजिए यहाँ ड्राइवर है और ड्राइवर के बगल में यहाँ साइड में ये उत्तल दर्पण लगा हुआ है। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें तो इसकी वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है, वक्रता त्रिज्या आर होती है और वक्रता त्रिज्या का मान आपको दिया हुआ है 3.00 मीटर। तो हम यहाँ से फोकस दूरी निकाल सकते हैं और आपको पता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो फोकस दूरी F इजकल टू हो जाएगा R/2। R की वैल्यू है 3.00/2, तो 3 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो फिर ये हो जाएगा आपका 1.50। लेकिन याद रखे रहिएगा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और ये मीटर में है तो मीटर ही होगी। अब देखें आपसे क्या पूछ रहा है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ज़रा देखिए, इस दर्पण का उपयोग हमेशा पीछे से आने वाली गाड़ी को देखने में किया जाता है। तो प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर बस है। देखिए यही बस है, ये दर्पण है और दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर बस है। तो दर्पण से बस, बस यानी वस्तु है, वस्तु वस्तु जिसको हम बिंब कहते हैं, बिंब का ही प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण से वस्तु की दूरी यानी दर्पण से बिंब की जो दूरी है ये 5 मीटर दिया हुआ है, यानी u की वैल्यू आपको 5 मीटर दिया हुआ है। हम यहाँ u इज इक्वल टू 5.00 मीटर कर लेते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुनिए, प्रकाश की किरणें हमेशा वस्तु से निकलती हैं, ये वस्तु है, वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी और दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो प्रकाश की किरण यहाँ से इधर के तरफ चलेगी और दूरी हम इधर के तरफ मापेंगे, तो प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए u की वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है,
तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछी जा रही है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी होती है, भी का मान आपसे पूछा जा रहा है। फिर आपसे प्रकृति पूछी जा रही है। तो एक बात तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ये सीधा बनता है, छोटा बनता है और आभासी बनता है। तो फिर आपसे प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज पूछा जा रहा था कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, ये भी हमको बताना है। तो चले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो फार्मूला आपको पता है, दर्पण का सूत्र आपको मालूम है कि 1/v + 1/u = 1/f होता है। हम सबकी वैल्यू रखते हैं 1/v + 1/u, यू की वैल्यू -5 है, और = 1/f, एफ की वैल्यू 1.5 है। तो अब एक स्टेप और हम आगे बढ़ें, तो 1/v और प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो माइनस हो जाता है। ये हो जाएगा 1/5 = 1/1.5। अब हम 1/v की वैल्यू निकालते हैं, तो देखें 1/v = ये जो -1/5 है इसको बराबर के अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/5 + 1/1.5। हम इसको अब सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एक काम करते हैं, ज़रा देखिए यहाँ पर ये 1/v = 1/5 तो है ही है, हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे रहे हैं। तो अगर इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हल करने में हमको सुविधा होगी। तो अब देखें 1/v = एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 15 का जो एलसीएम होगा लघुत्तम 15 होगा, 5 से भाग दे देंगे तो 5 * 15 हो जाएगा, और फिर 15 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 का 10 में गुणा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो अब ये हो गया आपका, देखिए अब ये हम यहाँ करते हैं 1/v = 10 और 3 = 13 हो जाएगा, 13/15 हो जाएगा। हमको भी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो भी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इसका रिवर्स कर देंगे। देखिए इसका रिवर्स कर देंगे तो भी रिवर्स, जिसको व्युत्क्रम करते व्युत्क्रम कहते हैं, व्युत्क्रम कर देंगे तो v = 1/v के जगह पे भी, तो ये जो 13/15 13/15 है ये रिवर्स हो जाएगा, तो 15 ऊपर हो जाएगा और 13 नीचे हो जाएगा। तो 15 को 13 से हम डिवाइड कर देंगे तो यह आपका 1.15 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कि प्लस साइन है। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक है, और याद रखे रहिएगा भी का मान धनात्मक है। अगर कोई दूरी ऋणात्मक होती है तो वह दूरी दर्पण से बाईं ओर होती है, यानी इसको दर्पण के सामने हम कहते हैं, दर्पण के सामने होती है। और अगर कोई दूरी धनात्मक होती है तो वह दूरी दर्पण के पीछे होती है। तो आप देख रहे हैं कि भी का जो मान है यह +1.15 मीटर आ रहा है। तो अब जरा ध्यान समझ लीजिए, ये बस जो था दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर था,
तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के अंदर के तरफ बनेगा और दर्पण के अंदर 1.15 मीटर, यानी देखिए ये दर्पण का ध्रुव है और यहाँ प्रतिबिंब है, तो ध्रुव से 1.15 मीटर की दूरी पर ये प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछी जा रही थी, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अब आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। तो इसके लिए तो हमें आवर्धन क्षमता निकालनी होगी। आवर्धन क्षमता निकालेंगे तभी हमें पता चल जाएगा। तो आवर्धन क्षमता यम की वैल्यू आप निकालेंगे, यम इजकल टू दर्पण के लिए, जब दर्पण की आवर्धन क्षमता हमें निकालनी होती है तो दर्पण की आवर्धन क्षमता m इजकल टू -v/u होता है। रखते हैं हम यहाँ पर, तो माइनस भी की वैल्यू, देखें भी की जो वैल्यू है अभी हम निकाले हैं यह है 1.15, और u का मान, तो u का जो मान है ये -5 है, -5.00 है। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देखें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 1.15 और बटा में 5.00। हम चाहें तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लें, 100 से गुणा करने से फ़ायदा ये होगा कि दशमलव हट जाएगा। तो देखें 100 से गुणा कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 115 और नीचे हो जाएगा आपका 500। अब अगर आप इसको 5 से कटा देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये देखिए 5 × 10 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 5 × 15, और 5 से इसको कटा देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी ये हो गया 23/100, और 23 को अगर 100 से भाग देंगे तो ये 0.23 हो जाएगा। तो आवर्धन क्षमता जो होगी वो 0.23 आ गई। इसका क्या मतलब हुआ? तो अब यहाँ से आपको एक बात समझना होगा, सुनिए। जब यम का मान, अच्छा एक चीज़ सुन लीजिए, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कि प्लस है। तो जब आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है ना, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि जब भी आवर्धन क्षमता धनात्मक बनेगी, धनात्मक आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। और दूसरी चीज़ कि जब यम का मान 1 आता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। लेकिन अगर 1 से कम आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 0.23 आ रहा है, 0.23 1 से छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, यह प्रतिबिंब 0.23 गुना छोटा बन रहा है। तो अब आपसे यही पूछा जा रहा था कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ये रही कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा, और यह प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब आभासी भी बनेगा और 0.23 गुना छोटा बनेगा। तो इस प्रकार ये जो पहला एग्जाम्पल है आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा।
आप इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।